स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन में e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। ठीक है, सबसे पहले आपको इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करके देखना है कि वैल्यू आती क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे e की पावर 5 log x लिखा हुआ है, e की पावर 5 log x। अब देखो 5 log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इंटू में log a क्या होता है, b इंटू में log a होता है हमारा log a की पावर b। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर 5। ठीक है जी, उसके बाद e की पावर log a विद बेस e इज इक्वल टू a होता है, क्योंकि बेस हमारे मैथ्स में e ही होता है, तो इसलिए भी आपके पास इक्वल टू आ गया x की पावर 5। तो आप e की पावर 5 log x को x की पावर 5 लिख सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे इसको x की पावर 5, इसको x की पावर 4, इसको x की पावर 3, इसको x का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 1। ठीक है जी, इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे स्क्वायर से गया स्क्वायर बचा, तो बच गया यहाँ पे x स्क्वायर टी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/3 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी,